सभी अभिभावकों और भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज अपन कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 5 न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका का थोड़ा सा सामान्य परिचय देखते हैं तो न्यायपालिका क्या कार्य करती है, ये न्यायपालिका होती क्या है। सामान्य सी बात है कि न्यायपालिका में आगे का शब्द न्याय, तो इसका मतलब है कि वह कोई सटीक निर्णय या न्याय से संबंधित कार्य करती है। आपने कभी देखा होगा कि अपने तहसील स्तर पर भी कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कोर्ट होते हैं, अपना एक राजस्थान का हाई कोर्ट भी है और एक भारत का सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये जो भी कोर्ट है या न्यायालय है, इंग्लिश में इनको कोर्ट बोला जाता है, जो भी ये न्यायालय है ये न्याय से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वह फौजदारी दीवानी मामलों से संबंधित हो, अत्याचारों से संबंधित हो, घरेलू हिंसा से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का न्याय से संबंधित कार्य न्यायपालिका करती है। जिस प्रकार से पुराने समय में जो राजा महाराजा न्याय से संबंधित कार्य करते थे या जो व्यक्ति दोषी पाया जाता था तो उसको उचित सजा देते थे, इसी प्रकार न्यायालय भी जो व्यक्ति दोषी होता है उसको उचित सजा का प्रावधान करता है। तो इसी के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि ये न्यायपालिका होती क्या है। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। आपने देखा होगा कि हमेशा अखबारों में किसी न किसी अदालत के बारे में आता ही है कि भाई आज इस राज्य की अदालत ने ये काम किया, इस जिले की अदालत ने ये काम किया, यानी अलग अलग न्यायालय के बारे में आता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको मालूम हो कि आप अखबार में प्रत्येक अदालत के बारे में जानते होंगे या पढ़ते होंगे, लेकिन कभी मन में विचार भी आया होगा कि इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। किसका है? कानून का शासन, संसद के द्वारा बनाया गया कानून उसका ही शासन चलता है। मैंने पहले भी बताया था कि कानून का निर्माण संसद के द्वारा होता है और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। तो सभी कानून सभी तो हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब ये है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने देश में जो कानून व्यवस्था है वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसे एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। अपन को मालूम है कि ये कानून व्यवस्था है वह इस देश में समान रूप से सभी लोगों पर लागू होती है, और कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है या व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको उचित सजा भी दी जाती है। ध्यान रखना, आगे देखते हैं। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। सवाल बनता है कि कानून को शासन को लागू करने के लिए हमारे पास क्या है? तो न्याय व्यवस्था है। क्या है? न्याय, इसको लागू करने के लिए एक न्याय व्यवस्था है। ठीक है, इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें, इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये न्यायालय वह विभिन्न भागों में बटे हुए हैं, तहसील स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, संभाग स्तर पर, और सबसे बड़ा न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, और अपने राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है, और इसकी अलग अलग खंडपीठें होती हैं और अलग अलग न्यायालयों में मामले चलते रहते हैं। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। तो नागरिक न्याय के लिए कहाँ जाते हैं? न्यायालय में जाते हैं। सवाल भी बनता है अपना कि नागरिक न्याय के लिए कहाँ जाते हैं?
तो न्यायालय में जाते हैं, नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो न्यायपालिका किसका अंग है? सरकार का अंग है, और जब सरकार का अंग है तो वो लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने की अहम भूमिका निभाती है। तो सवाल भी बन सकता है कि सरकार का अंग कौन है? न्यायपालिका है, और न्यायपालिका है वो लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ये इस भूमिका की केवल ये इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वतंत्र होती है और जो भी अपना निर्णय है वह स्वतंत्र रूप से सुनाती है, इसलिए न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? आपने देखा होगा कि अपने तहसील स्तर पर जो अदालतें होती है या हाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अदालतें होती है उसका सर्वोच्च न्यायालय से संबंध होता है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। आगे देखते हैं, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये अपनी उच्च सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय। जब अपन देखते हैं ये अपना सुप्रीम कोर्ट है, जब अपन देखते हैं कि अपनी सुनवाई जब छोटी अदालत में होती है, तहसील स्तर पर होती है, और अपने को निर्णय वहाँ पर उचित नहीं मिलता है तो अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, वहाँ पर भी अपने को निर्णय उचित नहीं मिलता है तो अपन हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी उच्चतम उच्च न्यायालय में, वहाँ पर भी अपने को निर्णय नहीं मिलता है सही, तो लास्ट में अपन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला जो होता है वही उसका निर्णय होता है, उससे आगे अपन कहीं नहीं जा सकते। तो ये अपनी सुप्रीम कोर्ट है, हाई उच्चतम न्यायालय है, एक होता है उच्च न्यायालय और एक होता है उच्चतम न्यायालय। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अब अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका की भूमिका क्या है। अदालतें बहुत सारे मुद्दे पे फैसले सुनाती है, अपनों को मालूम है अदालतें होती है बहुत सारे मुद्दे पर, चाहे वो अत्याचार से संबंधित हो, दंगे फसाद से संबंधित हो, फौजदारी से संबंधित हो, दीवानी से संबंधित हो, संपत्ति से संबंधित हो, औरतों से संबंधित हो, या घरेलू हिंसा से संबंधित हो, या बाल श्रम से संबंधित हो, या शिक्षा से संबंधित हो, या नौकरी से संबंधित हो, कोई भी निर्णय होता है वो अदालतों के द्वारा सुनाया जाता है। वे ये तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। एक अपना अभी एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों की पिटाई करना भी एक कानूनी अपराध माना गया, शायद इसके लिए शिक्षक को सजा भी हो सकती है। तो वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है, और दो राज्यों के बीच में अगर पानी का जो कार्य उससे संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है तो वह न्यायालयों के द्वारा निर्णय लिया जाता है। न्यायपालिका के वे कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। न्यायपालिका के क्या क्या काम होते हैं उनको विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है विवादों का निपटाना। तो सवाल भी बनता है अपना कि न्यायपालिका के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला अपना है विवादों का निपटारा। क्या काम है? विवादों का निपटारा। विवादों का निपटारा। न्यायपालिका व्यवस्था नागरिकों नागरिक दो व्यक्ति देश के व्यक्ति देश के लोग नागरिक व सरकार नागरिक व सरकार दो राज्य सरकारों दो राज्यों की सरकारें और केंद्र और राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। यानी विवादों का निपटारा का मतलब है कि न्यायपालिका चाहे वह नागरिक से संबंधित हो या नागरिक और सरकार से संबंधित हो या दो राज्यों के आपसी विवादों को से संबंधित हो या केंद्र व राज्य की सरकारों के बीच में कोई विवादास्पद की स्थिति हो को भी निपटाने का कार्य करती है। न्यायिक समीक्षा न्याय की समीक्षा करती है कि भाई न्याय कैसा करना चाहिए। तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। संविधान की जितनी भी व्याख्या की जाएगी उसमें संशोधन किया जाएगा वह न्यायपालिका के पास ही है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून संसद के द्वारा मैंने कहा कोई भी कानून संसद के द्वारा पारित किया जाता है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों के मिलकर द्वारा कानून बनता है, और ऐसा लगता है न्यायपालिका को कि यह कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है।
तो यदि न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति भी है कि वह कोई अत्याचार वाला कानून हो तो उसको रद्द भी कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो सवाल बनता है न्यायिक समीक्षा से कहते हैं, तो न्यायिक समीक्षा उसे कहते हैं कि संसद द्वारा पारित किया गया कानून कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। नेक्स्ट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अपने देखे तो मौलिक कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकार, तो नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, स्वतंत्रता से संबंधित, अत्याचारों से संबंधित, ठीक है, शिक्षा से संबंधित, ये अधिकार अलग अलग है, उनसे संबंधित ये मौलिक अधिकार भी है। इसके बारे में पढ़ रहे अभी। अगर देश की किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। किसी भी देश के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली या हाई कोर्ट, अपने राजस्थान के हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है तो वह जा सकता है, ठीक है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हकीम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतीयर थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 21, अपने कुल अनुच्छेद है वो 395 है, उसमें अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है, जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति पर जीवन जीने की कठिनाई आ जाए तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, और इससे जीवन जीने का अधिकार कहा गया है। और इससे स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है, स्वास्थ्य यानी स्वस्थ रहने का अधिकार। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हकीम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थिति में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये देखो एक मजदूर, एक व्यक्ति और एक राज्य से संबंधित विवादों का निपटारा कर रही है हाईकोर्ट। मैंने अभी बताया कि एक नागरिक और एक राज्य से संबंधित, जो सरकार से संबंधित विवादों का निपटारा भी न्यायालय ही करती है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अगर इसको साइट पे देखना चाहो तो www.sci.gov.in सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना, अब सवाल भी बनता है अपना कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह की गई थी 26 जनवरी 1950। अपने देश के स्वतंत्र होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ी और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई थी। उसी दिन हमारे देश में गणतंत्र बन गया। गणतंत्र 15 अगस्त 1946 के रूप में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भारतीय न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर, ये पहले न्यायालय संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 इस इमारत में स्थापित किया गया। 1937 से लगा 1949 तक संसद भवन में ये फेडरल कोर्ट में चलता था, उसके बाद उसको 1958 इस इमारत में स्थापित किया गया, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है अपनी शिक्षिका की सहायता से इन तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए। केंद्र और राज्य के बीच विवाद, अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद है तो उसको, जैसे मैंने कहा कि अपने केंद्र जो पंजाब और राजस्थान के बीच में जो चलो मान के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चंबल नदी है, अगर उस संबंध जो विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद मान सकते हैं। दूसरा, दो राज्य यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में विवाद वाला, और केंद्र और राज्य के बीच में विवाद, जैसे मैंने कहा कि एक केंद्र के द्वारा जो कोई राज्य के ऊपर राज्य के ऊपर कोई चीज़ लागू की जाती है और राज्य मानने के लिए मानता नहीं है, तो ऐसे संबंधित विवाद को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है। दो नागरिकों के बीच विवाद, दो व्यक्तियों के बीच में विवाद, और ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार के जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायालय को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब
आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाया जाता है। मैंने कहा कि किसी भी, जैसे आपकी ज़मीन है, खेती बाड़ी ज़मीन है, उसके ऊपर किसी मंत्री ने कब्जा कर दिया है, तो आप कहाँ का दरवाज़ा खटकाओगे? न्यायालय में। और न्यायालय भी अगर मंत्री के खिलाफ में उसको सजा नहीं देता है तो वो स्वतंत्र न्यायालय नहीं, जबकि स्वतंत्र न्यायालय का भाई है कि वो किसी भी सभी नागरिक को समान रूप से मानती है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको न्याय, वो सजा सुनाएगी, तो स्वतंत्र न्यायालय है। तो अपना न्यायालय स्वतंत्र है, वो किसी को छोटे व्यक्ति से लगा कर बड़े से बड़े व्यक्ति को भी सजा दे सकती है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। जो अपना जो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है, उसके ऊपर कोई भी नेता का अधिकार नहीं चलता है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। तो अपने जो देश की जो शक्तियाँ उनका बंटवारा किया गया है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है, शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका, यानी विधि से संबंधित और कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का बंटवारा किया गया। जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका काम में दखल नहीं दे सकती। सरकार की जो अन्य जो शक्तियाँ हैं, सरकार जो अन्य शाखा है वो न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है। अदालतें है वो सरकार के अधीन नहीं है, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। यानी किसी भी एक बार न्यायाधीश को नियुक्त करने के बाद उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। यानी उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन वह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक भी किसी नेता के खिलाफ मुकदमा जीत सकता है? अगर नहीं तो क्यों? अगर वह जीतता है तो इसका मतलब है कि अपनी न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर नहीं जीतता है तो इसका मतलब है कि अपनी न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता आंदोलन को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। यानी विधायिका यानी कानून की शक्तियाँ और कार्यपालिका की शक्तियों को रोक सकती हैं। बोले तो विधि से संबंधित शक्तियाँ और कार्यपालिका जो संसद के द्वारा बनाई जाती है उसके द्वारा भी शक्तियों को रोका जा सकता है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो इससे संबंधित अपन ने न्यायपालिका के बारे में पढ़ा, न्यायपालिका किस प्रकार से कार्य करती है, न्यायपालिका के ऊपर किसी का भी हक नहीं है, स्वतंत्र है, ठीक है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से भी स्वतंत्र है, ठीक है, ये किसी अधीन में काम नहीं करती है। कल अपन पढ़ेंगे भारत में आंदोलन की संरचना कैसी है, भारत में आंदोलन की संरचना कैसी है। जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें से आपको 10 सवालों को बना के करना है, उत्तर लिखने हैं उनके, और अच्छी तरह से टॉपिक को याद भी करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना।